नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। ठंड का मौसम जाने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉक्स पहनना छोड़ देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये सॉक्स मैंने कैसे बनाया और इस सॉक्स का मेजरमेंट कैसे करना चाहिए। आइए इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। ये आप मेजरमेंट सेम ही रहेगा, लेकिन ये अपने पैरों के हिसाब से आप इसे इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा और घटा सकते हैं। ये जो सॉक्स है कोई ऊन का सॉक्स नहीं है, वुलन सॉक्स नहीं है। ये जो सॉक्स मैंने बनाया है ये टी शर्ट के कपड़े से बनाया है। जो मैंने पहले पेपर कटिंग किया है, पेपर कटिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे आधे इंच ज़्यादा का निशान लगाऊंगी, ताकि सिलाई के बाद मुझे ये सॉक्स इसी सेम साइज में मिले। सॉक्स बनाने के लिए मैंने कपड़ों के चार भाग काटे थे। ये चार परतों में कपड़े हैं, ठीक है। लेकिन सॉक्स का जो ऊपरी भाग है वो मैंने यहाँ पे दो भाग लिया है, जिसमें मैं अभी निशान लगा रही हूँ। ये जो निशान लगाया गया है वो कपड़े के बीचों बीच निशान लगाया गया है।
देखिए यहाँ पे जो सिलाई की गई है वो गोलाई के आकार में, हल्की गोलाई के आकार में सिलाई की गई है। आशा करती हूँ सॉक्स का जो मेजरमेंट है आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड अभी आपके कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें या फिर डीएम करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें और स्वस्थ रहें।